स्पोकन बट ब्यूटिफुल सीजन टू आ गया है और उनके एक्टर जितिन गुलाटी मेरे साथ है. वेलकम टू 24. थैंक यू साक्षी. सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, फर्स्ट सीजन से कितना डिफरेंट होने वाला है और क्या लोगों को शॉक लगेगा? शॉक देखिए, अगर ऑडियंस ने सीजन वन देखा है उसमें आई प्ले अ वेरी हार्टलेस कैरेक्टर हु वॉज इन अ रिलेशनशिप फॉर 5 years विद अ गर्ल, लेकिन फिर वो सडनली वन डे डिसाइड्स कि आई एम ओवर दैट लव एंड ही मूव्स ऑन इन हिज लाइफ. जैसे सीजन वन में कहा था, इट टेक्स टू टू फॉल इन लव बट इट टेक्स वन टू फॉल आउट ऑफ इट. सीजन वन वॉज ऑल अबाउट मी बींग वेरी हार्टलेस. बट प्यार का ये भी होता है कि अगर आप किसी के साथ 5 साल रहे हैं, किसी के साथ प्यार में थे, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं. सो आई थिंक आफ्टर ब्रेकअप यू समवेयर डाउन द लाइन बिकम फ्रेंड्स एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड लाइफ इन अ वे दैट यू मीन वेल ओनली फॉर देम. सो कार्तिक एज अ कैरेक्टर इज नॉट अ बैड गाय, इट जस्ट दैट ही इज सेल्फिश एंड आई थिंक ही इज बींग अ लिटिल सेल्फलेस इन सीजन टू. जैसे आपने बताया कि सीजन वन में योर कैरेक्टर वॉज हार्टलेस, यूजुअली ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आता है वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करते कि एक्टर की भी पर्सनैलिटी शायद ऐसी ही होगी. क्या आपने वो चीज़ फेस की है? जी, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड मी नेम्स, आई कांट से इट ऑन टीवी हियर, बट अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट आई वॉज लाइक दैट ओनली. बट दैट्स द गुड थिंग, यू नो, इफ पीपल कैन रिलेट मी टू द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग एंड नॉट द रियल मी, आई थिंक दैट इज अ गुड विन फॉर एन एक्टर फॉर मी. ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 2 की बात करें तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई सीरीज आती है, फिल्म आते हैं, तो हमेशा सीक्वल से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार फर्स्ट पार्टी हमेशा अच्छा है. तो उस बात का आपको कोई डर है? नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट साउंडिंग एरोगेंट बट I have seen the process for both the projects. I know how the story is moving forward. I also know that they've tried to make it bigger and better now. Intent hi wo raha hai makers ka dono shows ke liye. So, dar nahi hai. I'm genuinely very, very excited to see what the audience says after watching it. I'm genuinely hoping that these two seasons will do well. Aapki ek film aane wali hai, Sheer Korma, jo Swara Bhaskar ke saath kar rahe hai, if I'm not wrong. Ji. To ab, jaise Swara Bhaskar ki aisi personality ki, wo bahut achi actress hai, no doubt. Lekin wo kaafi vocal hai, apne har opinion ko lekar. And kai baar wo us wajah se problem mein phas jati hai. And hum jaise Bollywood mein ya Indian film industry mein trend dekh rahe hai ki agar koi इंसान कोई स्टैंड लेता है तो लोग उसके काम पर अटैक करते हैं, जैसे कि उनकी फिल्म्स पर या उनके शो पर. तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर लगता है कि आपकी जो फिल्म आने वाली है अगर उस टाइम कुछ ऐसा हो गया, या मतलब ऐसा कुछ आपको दिमाग में आता है कभी? देखिए, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना बुरी बात तो नहीं है. तो अगर कुछ बात बुरी नहीं है तो उसके लिए क्या डरना. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट स्वरा भास्कर, आई थिंक ऑल द 3 मेन कास्ट दैट वी हैव, शबाना आजमी जी, स्वरा भास्कर एंड दिव्या दत्ता, all of them have always stood for something in their life. Or also one more thing, as an actor, you know, social responsibility is attached to our professions. As much as we say ki hum entertainment ke business mein hai, ya fir hum, you know, hamara kaam sirf logo ko entertain karna hai, but I don't think so you can take this platform which is, you know, given to us to reach out millions of people. Hum ye bolna shayad thoda sa selfish hoga ki yaar hamari social responsibility nahi hai. अगर मुझे मौका मिल रहा है फिल्म्स या OTT प्लेटफॉर्म के मीडियम से, बिकॉज ऑफ विच पीपल लिसन टू मी, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड अराउंड मी, बिकॉज देयर इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस मोर देन एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो. बात करते हैं सिसक की, इतने सारे अवार्ड जीत लिए उस फिल्म ने. यू नो, ये फिल्म एक LGBTQ लव स्टोरी पर बेस्ड है, तो आपकी फैमिली का क्या फर्स्ट रिएक्शन था? बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी इंडियन पेरेंट्स आर लाइक लिटिल कंजर्वेटिव एंड दे डोंट वांट टू सी देयर सन्स और डॉटर इन दोज कैरेक्टर्स. वाज इट डिफिकल्ट? देखो, मेरे फैमिली के लिए मेरा एक्टर बनना ही बहुत बड़ा शौक था. उसके बाद उनके लिए सारे शौक्स बहुत आसान हैं. आई लेफ्ट माई बैंकिंग जॉब एट अ वेरी गुड पोजिशन, यू नो, आई वॉज वर्किंग देयर फॉर क्लोज टू 8 years. That was a very big shock for them because I did not ask anybody. I just went ahead and left my job and I said that I want to pursue this. Not just out of a lark, but I was training to be an actor. I think uske baad kuch bhi maine kiya hai na, unke liye koi shock nahi hai. Abhi main ek project kar raha hu jisme bahut kuch hai. So I know that they want to take it very easily. So whether it's an LGBT love story or whether it's a heterosexual love story, they finally accept me that it's my job and the fact that I am not exactly what I'm doing there. Humse baat karne ke liye bahut bahut shukriya. Thank you so much. कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ साक्षी अरोड़ा, E24.